हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लिए। उसमें क्या, अभी आपकी एक विश्वास बुक है, उसके 6 क्वेश्चन हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो हम आपके लिए लगभग 100 क्वेश्चन का संग्रह लेके आए हैं। आप अगर इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो शायद आपके 6 अंक तो निश्चित रूप से पक्के हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद में हम क्या, अभी आपके लिए एक ग्रामर, जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसके लगभग 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। देखिए अभी इसमें इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो आपकी विस्टास बुक से आएगा। उसमें क्या है, अभी सेम वॉज ए, सेम नाम का व्यक्ति है वो क्या, अभी एक हिस्टीरियन है, इंजीनियर है, फिलोसफर है या साइकियाट्रिस्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, अभी ये व्यक्ति क्या अभी साइकियाट्रिस्ट है। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, 10 साल में महाराजा ने कितने टाइगर को मारा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, अभी 70, कितना होगा अभी 70 टाइगर्स। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई, एक स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम चला था वो किसके द्वारा चलाया गया था, अभी एल्ब्राइट जॉनसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जियोफ ग्रीन। आपका आंसर क्या होगा, अभी जियोफ ग्रीन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम, जो गली के बच्चे थे वो मिस्टर लैम को किस नाम से पुकारते थे, क्रूल लैम, स्वीट लैम, लेमी लैम, अंकल लैम। तो क्या कहते, अभी लेमी लैम कहते थे। लेमी क्या होता, अभी लंगड़ा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं। द स्टोरी द टाइगर किड किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, जो टाइगर किंग स्टोरी है वो राजा कहाँ का है, अभी अनंतपुरम, प्रतिबंधपुरम, तिकक नगरम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या, अभी प्रतिबंधपुरम आपका आंसर क्या होगा, अभी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी द नेम ऑफ द डॉक्टर शेडोज वाइफ वॉज, ये शेडोज है, इसकी पत्नी का क्या नाम था, अभी हाना, साना, मेरी, जेनी, क्या नाम था अभी, हाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ बोथ शेडोज फैमिली एंड इट्स सर्वेंट्स, तो शेडो फैमिली थी उनका और उसके जो नौकर थे उनका निर्णय के बारे में पूछा गया आपसे। बोथ वर एट रॉन्ग ट्रैक, दोनों ही गलत ट्रैक पर थे। बोथ वर टू राइट ट्रैक, शेडोज वर राइट एंड सर्वेंट्स आर रॉन्ग, सर्वेंट्स वर राइट एंड शेडोज वर रॉन्ग। इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बोथ आर राइट ट्रैक, दोनों ही क्या थे भी सही ट्रैक पर थे। नेक्स्ट देखिए भी, हुम डिड द टाइगर किंग ऑर्डर टू फाइंड आउट ए टाइगर, किसको टाइगर किंग ने ऑर्डर दिया था एक टाइगर खोजने के लिए, वो मिनिस्टर था या फिर एस्ट्रोलॉजर था, दीवान था, नन ऑफ दीज। इसमें कौन ऑप्शन था भी, इसमें क्या था भी, दीवान था वो, कौन था भी, दीवान। द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, इसमें आपको नाम बताना है उस यान का, स्पुतनिक टू, एकेडमिक सोकल्सकी, वेल्डिनिर रोसक, मैकेल सोलोकोव, इनमें से कौन सा था भी। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, एकेडमिक सोकाल्सकी, बी ऑप्शन सही होगा। द थर्ड लेवल वॉज, तो थर्ड लेवल है ये रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल, वास्तव में एक रेलवे प्लेटफॉर्म था, ये बस स्टैंड था इन इमेजिनेशन, कल्पना में, एन एयरपोर्ट था या एन इमेजिनरी अंडरस्टैंड अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, क्या ये काल्पनिक एक अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी ये एक काल्पनिक था, डी ऑप्शन सही होगा। डेरी सफर्ड इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वॉज, वो डेरी थी जो क्या थी भी, प्रभावित थी किससे भी, अनएजुकेटेड थी, अगली बद्दी थी, वेरी शॉर्ट थी, वेरी थिन थी। इसमें आपका आंसर क्या होगा, अभी अगली आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है जिट कालाशा,
या जिकालसा वॉन्टेड टू कीप हर हेयर, अपने बालों को रखना चाहती थी। लंबा, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम साइज, इसमें क्या आएगा भी? लॉन्ग आपका आंसर क्या होगा भी? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम, चार्ली थी वो किससे पीड़ित थी? फीवर, बुखार से, स्ट्रेस, दबाव से, न्यूमोनिया से, टाइफाइड से। इसमें आपका आंसर क्या होगा भी? स्ट्रेस। द हंड्रेड टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाई, जो सोवा टाइगर था वो वास्तव में किसके द्वारा मारा गया? किंग के द्वारा, दीवान के द्वारा, हंटर्स के द्वारा, पब्लिक के द्वारा? हंटर्स होगा। क्या होगा भी? हंटर्स। नेक्स्ट देखिए, थ्री नंबर क्वेश्चन है, फ्लोइंग गैस काजेज ग्लोबल वार्मिंग, कि कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इसमें क्लोरीन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्या है भी? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका भी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, हाना ने अपने जो नौकर था यूमी उसे क्या पूछा भी? वॉश द वाउंड ऑफ द सोल्जर, गिव फूड टू द सोल्जर, सोल्जर को भोजन दो या उसका घाव है उसको साफ करो, ऑपरेट द वाउंडेड सोल्जर, जो घायल सोल्जर है उसका ऑपरेशन करो, ब्रिंग द सोल्जर टू कोर्ट, इसे कोर्ट में लेके आओ। क्या आंसर सही होगा भी आपका? इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उसने कहा था कि जो सोल्जर है उसका घाव को धो दो, साफ कर दो उसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, मिस्टर लेम गेव एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, मिस्टर लेम ने एक उदाहरण दिया था एक फूल, और उसके साथ में क्या था? ए वीड, ए थ्रोन, ए बड, ए रूट। रूट मान जड़ होती है, बड मान कली होती है, थ्रोन मान कांटा होता है, वीड मान क्या होता है अभी? खरपतवार। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा अभी? ए सही होगा, ए वीड का एग्जाम्पल दिया था। बामा वाज ए यंग गर्ल, बामा नाम की एक युवा लड़की थी, स्टडिंग इन क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? ये प्रश्न पीछे एग्जाम में भी आया था, ये थर्ड क्लास में पढ़ रही थी। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी भी? थर्ड क्लास में स्टडी कर रही थी। अगर आपको इंग्लिश का ग्रामर सीखना हो कक्षा 12th का, तो हमारा ऐप है JR क्लासेज, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको संपूर्ण ग्रामर सीखने को मिलेगा, सारे टॉपिक इजी भाषा में, तो आप जरूर सीखें वहां पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भी, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे। अब जो नरेटर था, लेखक था, उसने बैंक से कितने रुपए निकाले थे भी? $500, $600, $700, $300। तो आपका आंसर क्या होगा भी? $300 आपका आंसर सही होगा। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, ये क्वेश्चन भी बार दोबारा रिपीट हुआ है, कितने टाइगर्स मारे थे उसने भी? 70। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शेडोज फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेम्स, डॉक्टर शेडोज व्यक्ति उसके पिता है, वांटेड टू सी हिम एज ए फेम्स, उसे क्या देखना चाहते थे, क्या बनता हुआ देखना चाहते थे? लॉयर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, सर्जन। तो आपका आंसर क्या हुआ अभी? सर्जन देखना चाहते थे वो। क्या नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, अंटार्कटिका इज एन आइडल प्लेस टू स्टडी, अंटार्कटिका है वो एक आदर्श स्थान है पढ़ने के लिए, क्या चीज पढ़ सकते हो, क्या सीख सकते हो वहां से भी? तो इसमें मैथमेटिक्स सीख सकते हो, ज्योग्राफी सीख सकते हो, या ज्योमेट्री सीख सकते हो, या इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में वहां पर सीखा जा सकता है। तो आपका आंसर डी होगा, वहां पर पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन सीख सकते हैं, जो डार्क होल है, छिद्र है, वो वहीं पर है अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ, डेरी नाम का जो लड़का था वो कितने साल का था भी? 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स। आपका आंसर क्या सही होगा भी? 14 ईयर्स। वन डे बामा सा एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, एक दिन बामा ने एक आदमी को देखा, क्या ले जाते हुए देखा था भी? ये बकेट ऑफ वाटर, पानी की एक बाल्टी, ये मिल्क पॉट, ये फूड पैकेट, ये स्वीट बॉक्स। आपका आंसर क्या होगा अभी? ये फूड पैकेट आपका आंसर सही होगा।
नेक्स्ट देखिए भी, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट आइस ऑफ द अर्थ टोटल आइस, पृथ्वी की जितनी बर्फ है उसका कितना परसेंट हिस्सा अंटार्कटिका में स्टोर है अभी? 70%, 80%, 90%, 95%। आपका आंसर क्या होगा अभी? 90% बिल्कुल राइट होगा, 90% आइस है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्टोर है। द किंग सक्सेडेड इन किलिंग, जो राजा था वो कि मारने में सफल हुआ 99 टाइगर्स, 100 टाइगर्स, 101 टाइगर्स। आंसर सही होगा अभी 99 टाइगर्स, 99 बाघ मारने में वो क्या हुआ था अभी, सफल हुआ था। मिस्टर लेम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए, मिस्टर लेम नाम का व्यक्ति था जो लंगड़ा था, वह अपनी एक पैर है, टांग है, वो कहाँ खो दी थी उसने भी? ए ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट एंड बॉम्ब एक्सप्लोशन, बम धमाके में। आपका आंसर क्या होगा अभी? इसमें डी ऑप्शन सही होगा कि एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, द नरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, अब नरेटर है वो थर्ड लेवल में किसके बारे में बात कर रहा है अभी? सेंट्रल जंक्शन, सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड स्क्वायर जंक्शन। आपका आंसर क्या होगा अभी? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। वॉट डिड डॉक्टर शेडो कॉल हिज फ्रेंड्स वाइल ऑपरेटिंग देम, अब जो मिस्टर शेडो है वो अपने माता पिता से क्या कहता है, क्या पुकारता है जब वो ऑपरेशन कर रहा है उनका? डियर पेशेंट, माई फ्रेंड, माई डियर, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या होगा अभी इसमें आएगा? डी माई डियर फ्रेंड, वो अपने माता पिता को किस नाम से पुकारता है अभी? माई फ्रेंड नाम से संबोधित करता है, पुकारता है। हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी, बामा को किसने छुआछूत के बारे में बताया था अभी? हर मदर, हर फादर, हर ब्रदर, हर टीचर। तो आपका आंसर क्या होगा अभी? हर ब्रदर सही होगा। क्वेश्चन देखिए अभी, व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विच चार्ली सा एट द थर्ड लेवल, कौन सी डेट लिखी हुई थी जब चार्ली ने इसको थर्ड लेवल पर देखा था न्यूज़पेपर में? 11 जून 1894, 11 जुलाई, 11 मई, 11 अगस्त। इसमें क्या आंसर सही होगा अभी आपका? 11 जून डेट लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, शेडो सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, शेडो ने अमेरिकन सोल्जर की जीवन बचाया था, क्यों बचाया था अभी? ही टुक एजुकेशन इन अमेरिका, ही एक्सपेक्टेड सम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट, उसे कुछ राजनीतिक और आर्थिक लाभ की आशा थी। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द नेशनलिटी ऑफ द सोल्जर, उसे उस सैनिक की राष्ट्रीयता की पहचान नहीं थी। ही वॉज मोटिवेटेड बाई दिस हिज प्रोफेशन मोटो, वह अपने व्यवसायिक मोटो से मोटिवेटेड था। तो आपका आंसर यही सही होगा कि वह प्रेरित था अपने व्यवसाय से। विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के बारे में इनमें से क्या चीज गलत है अभी? 3 इसमें सही है, 1 इसमें गलत है। तो देखो अभी, ही केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, वह अपने गार्डन गेट ओपन रखता था। ही लाइक टू टॉक विद पीपल, वह लोगों से बात करना पसंद करता था। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, वह क्या था भी, आशावादी था। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ही ए रोड एक्सीडेंट, उसने अपनी टांग एक रोड एक्सीडेंट में खो दी थी, ये गलत है, उसने एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में अपनी टांग खोई थी। अगला क्वेश्चन देखो अभी, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल टू ऑपरेट द किंग, अब कहां से, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल टू ऑपरेट द किंग, राजा के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहां से बुलाए गए थे भी? इसमें क्या ऑप्शन सही होगा अभी? बॉम्बे से, कोलकाता से, जयपुर से, मद्रास से, क्या आंसर सही है आपका अभी? डी ऑप्शन सही होगा इसमें, मद्रास से बुलाए गए थे। किससे बुलाए गए थे भी? मद्रास से। नेक्स्ट देखिए अभी, 5 नंबर, अंटार्कटिका इज एट द अर्थ, अंटार्कटिका है वो पृथ्वी के किस कोने में अभी? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इक्वेटर, विषुवत रेखा, इनमें से कौन सा है अभी? ये वो अपना साउथ पोल पर है, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका है, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी, जीत काला सा हिड हिम हरसेल्फ इन ए डार्क रूम, उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में छिपा लिया था बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू, वह क्या नहीं चाहती थी? वेयर शॉर्ट क्लोथ, छोटे कपड़े नहीं पहना चाहती थी। ईट ऑन चेयर टेबल, चेयर टेबल पर खाना नहीं चाहती थी। ड्रिंक एल्कोहल या गेट हर हेयर कट, वह अपने बालों को नहीं कटाना चाहती थी। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा कि वह अपने बालों को छोटे
छोटा नहीं कराना चाहती थी। शेडो एंड हेना मेट एट फर्स्ट टाइम इन, शेडो और हेना थे वो पहली बार कहाँ मिले थे, जापान, चाइना, रशिया, अमेरिका। ऑप्शन क्या होगा अभी, अमेरिका सही होगा, अमेरिका मिले थे। अंटार्कटिका डज नॉट है, अंटार्कटिका में क्या चीज नहीं है अभी, ऑक्सीजन नहीं है, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है। आपका आंसर क्या होगा अभी, यहाँ पर ये बायोडायवर्सिटी नहीं है, क्या नहीं है अभी, बायो डायवर्सिटी जैव विविधता नहीं है, वहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अभी, हेड एंड अगली फेस, किसका चेहरा बदला था अभी, डेरी का, लैम का, जियो का, जैक का, कौन था अभी। इसमें आपका आंसर सही होगा ए, डेरी का जो फेस था वो क्या था अभी, अगली था, बदला था। द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन द थर्ड बर्थडे, व्हाट वॉज इट। राजा था वो अपने बच्चे के लिए थर्ड बर्थडे पर गिफ्ट लेके आया था, क्या लेके आया था अभी, गोल्डन एरोप्लेन, ए सिल्वर कार, वुडन टाइगर, ए ब्यूटीफुल बर्ड टॉय। आपका ऑप्शन क्या होगा अभी, ए वुडन टाइगर, सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, जरूर आ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यमी वाज द नेम ऑफ, यमी किसका नाम था अभी, अमेरिकन सोल्जर का, गार्डनर एट शेडोज हाउस, एक जो माली था उसका था, मेड सर्वेंट एट शेडोज हाउस, घर की जो नौकरानी थी उसका नाम था, कैट एट शेडोज हाउस, घर में एक बिल्ली थी उसका नाम था अभी। तो आपका आंसर ऑप्शन सही होगा, मेड सर्वेंट एट शेडोज हाउस, का नाम यमी था। नेक्स्ट देखिए अभी, 6 नंबर क्वेश्चन, हु इन्फॉर्म्ड चिटकाला सा अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, उसके बालों के काटने के बारे में उसे सूचना किसने दी थी। इसमें आपका ऑप्शन, एडिना ने दी थी, एमिना ने दी थी, जुडेबी ने दी थी, ब्रेशिया ने दी थी। आपका आंसर होगा जुडेबी ने दी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए भी, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल, ये न्यूज़पेपर था जो चार्ली को मिला था, उसका टाइटल क्या था अभी, द नेशन, द वर्ल्ड, द टाइम्स, द हेराल्ड, क्या नाम था उसका भी टाइटल, द वर्ल्ड, क्या था अभी, बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी, द फूड चेन ऑफ द इंटायर साउथर्न ओशन इज मेंटेन्ड बाय ए सिंगल कॉल्ड, जो खाद्य श्रृंखला है संपूर्ण दक्षिणी समुद्र की, वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है अभी, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, फाइटोप्लैंक्टन द्वारा, एमोबिया द्वारा। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा आपका अभी, इसमें ये फाइटोप्लैंक्टन द्वारा मेंटेन की जाती है, फूड चेन है वो, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा अभी, सही होगा। डेरी इज मदर हेड टुवार्ड्स मिस्टर लैम, डेरी की जो माताजी थे वो लैम के प्रति अच्छी भावनाएं रखते थे, गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, नाइदर गुड और नॉर बैड, क्या होगा अभी, इसमें बैड फीलिंग आएगा, बुरी भावनाएं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ, जो टाइगर किंग था वो कितनी उम्र में राजा बन गया था अभी, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो आपका आंसर क्या होगा अभी, 20 ईयर्स। फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर शेडोज फादर सेंट हिम टू, अब उच्च शिक्षण के लिए शेडोज के पिता थे, उन्होंने उसको कहां पर भेजा था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, तो आपका आंसर क्या होगा अभी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भेजा था। जिटकाला शाह फेल्ट लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर, जिटकाला शाह ने महसूस किया कि वह फर्श में डूब रही है, शी वॉज वॉकिंग टू द, किससे बातें कर रही थी भी, डाइनिंग हॉल से, रीडिंग रूम में, कॉमन रूम, प्लेग्राउंड, आपका आंसर होगा डाइनिंग हॉल, क्या होगा अभी, डाइनिंग हॉल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली गोट ए लेटर फ्रॉम, चार्ली को एक पत्र मिला था हिज वाइफ से, हिज फ्रेंड से, हिज असिस्टेंट साइक से, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से, तो आपका आंसर क्या होगा अभी, इसमें सही होगा हिज फ्रेंड, क्या होगा अभी, हिज फ्रेंड। अगर आप हिंदी साहित्य के पुस्तकों
पॉजिटिव टाइप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस बुक के लिए कौन से पॉजिटिव टाइप क्वेश्चन हल करने हो, तो हम आपके लिए वो वीडियो भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखिए भी, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, हम क्या सीखना चाहते हैं अभी, नेचर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम आया हुआ है। हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर वहां पर हमें विजिट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, एट द कैप ऑफ सोल्जर द फ्लोइंग वर्ड्स आर रिटन, जो सोल्जर था, सैनिक था, उसकी कैप पर कौन से शब्द लिखे हुए थे, यूएस नेवी, यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स। इसमें आपका आंसर क्या हुआ, अभी क्या लिखे हुए थे, यूएस नेवी, वो एक नेवी का सैनिक था, जल सेना का। द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज थर्ड बर्थडे, व्हाट इज इट, ये प्रश्न भी रिपीट हो गया, गोल्डन एरोप्लेन, सिल्वर कार, इसमें क्या था, वुडन टाइगर था, क्या था अभी, वुडन टाइगर, एक गिफ्ट लेके आया था राजा अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, डेरी किससे पीड़ित थी भी, फीवर से थी, डायबिटीज से थी, इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से थी, टाइफाइड से थी। आपका आंसर क्या होगा अभी, इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाउ वॉज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स, ये नरेटर था वो बहुत से दोस्तों को जीतने में सफल क्यों हुआ था भी, वॉचिंग मार्केट ईगरली, वो मार्केट को उत्सुकता से देख रहा था, स्टडिंग हार्ड, स्लीपिंग वेल, स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास, हमेशा गया क्लास में क्या आता था अभी, फर्स्ट आता था। नेक्स्ट देखिए भी, सैम वॉज एट थर्ड लेवल फोर, लेवल फोर 2 months, 2 days, 2 weeks, 2 years। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा अभी, 2 weeks। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वारंट द किंग टू रिमेन केयरफुल वाइल हंटिंग द, जो एक स्टेट एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवाणी करता था, उसने राजा को क्या चेतावनी दी थी कि आपको सावधान रहना है, कि कौन से टाइगर को मारते वक्त, फर्स्ट टाइगर, 99 टाइगर, 100 टाइगर। आपका आंसर होगा सोमवा, जो टाइगर था उसे मारते, इसमें आपको याद बरतनी है, भी सावधानी बरतनी है। वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ शेडोज फैमिली सर्वेंट्स वेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर, जो शेडोज फैमिली के सर्वेंट्स थे, जब उसने सैनिक की सहायता की, तो क्या थे भी, द देवर अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड, वे ना खुश थे, डरे हुए थे, ना तो वो खुश थे ना ही दुखी थे, देवर हैप्पी एंड कोऑपरेटेड हिम, वे खुश थे, उन्होंने सहायता भी की थी। देवर अनटस्ट फ्रॉम दिस इंसिडेंट, वे इस घटना से अनटस्ट थे। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन सही होगा कि वो नाखुश थे और डरे हुए थे, क्योंकि वो उसकी सहायता कर रहे थे तब। बर्निंग ऑफ फॉसिल फॉइल्स रिलीजेज, अब क्या अभी, जैविक ईंधन जलाने से कौन सी गैस निकलती है भी, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, घर में जो धुआं निकलता है लकड़ी जलाने से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, मिस्टर लेम वॉज, मिस्टर लेम है वो एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, आशावादी आदमी है, पेसिमिस्ट मैन, नोटी मैन, क्रूल मैन, नटखट, निर्दयी, निराशावादी, तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, कौन सा है भी, ऑप्टिमिस्टिक आदमी है। अगला देखिए भी, नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा बिकेम, भी जातीय जो भेदभाव के बारे में जानकर, बामा थी वो कैसी हैप्पी थी, सेटिस्फाइड, संतुष्ट थी, एंग्री थी, तो आपका आंसर क्या होगा भी, एंग्री थी। नेक्स्ट देखिए भी, हु वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में बातें कौन कर रहा था भी, इसमें आपका आंसर क्या होगा भी, चार्ली। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, जिसके जंगल में ज्यादा टाइगर होंगे, उसी से वो राजा क्या करेगा भी, शादी करेगा। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ शेडोज फैमिली सर्वेंट व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर, शेडोज परिवार के जो नौकर थे उनका क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने सोल्जर की सहायता करने का निश्चय किया, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड, वे डरे हुए थे और नाखुश थे। डेरी इंटर्ड लेम्स गार्डन बिकॉज इट वॉज, डेरी था वो लेम्स के गार्डन में प्रवेश किया क्योंकि वह एक लोनली प्लेस जाता था, एकांत स्थान की जो उसे जरूरत थी। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका,
लेखक ने अंटार्कटिका पहुंचकर कैसा महसूस किया? भी ग्रेट रिलीफ मिला उसे। जिटगिला सा फेल्ट लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर व्हेन सी वॉज वॉकिंग टू द डाइनिंग हॉल। ये आपका आंसर सही होगा। द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेंड सैम वॉज डेटेड। जो चार्ली ने पत्र प्राप्त किया था सैम से, उसमें क्या डेट लिखी हुई थी? 18 जुलाई 1894 लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखिए भी, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस वेन ही स्पोक द वर्ड्स चार्ली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर। जब चार्ली ने राजकुमार ने चार क्या बोले थे भी, अपने शब्द बोले थे एस्ट्रोलॉजर के सामने, कितने समय का था वो? 10 डेज। शेडोज एंड हाना मेट एट फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, यूएसए में मिले थे वो। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स से वो पीड़ित थी। द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज गोडवाना। कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का क्या नाम था भी? सुपर कॉन्टिनेंट का गोडवाना। द पर्सन हु चॉप्स लुक्स अदर साइड सो दैट ही वुड प्ले। नेक्स्ट देखिए भी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, हु फाउंड ए लेटर फ्रॉम सेम। सेम से लेटर किसको मिला था भी? अब ये आपका आंसर क्या सही होगा अभी इसमें? चार्ली। क्या है अभी? चार्ली आंसर बिल्कुल सही होगा। महाराजा कुड नॉट किल द हंड्रेड टाइगर बिकॉज, क्योंकि ही मिस्ड द टार हिज टारगेट, वह 100वां टारगेट मिस कर गया था। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम, जो गली के बच्चे थे वो मिस्टर लैम को किस नाम से पुकारते थे भी? लेमी लैम। द ऑथर क्रॉस्ड टाइम जोन्स टू रीच अंटार्कटिका, पहुंचने के लिए उसने कितने जोन पार किए थे भी? 9। द एनिमी सोल्जर वॉज बाउंडेड बाई, जो दुश्मन का सैनिक था वो किससे घायल हो गया था भी? गोली से, बुलेट से। एट द डाइनिंग टेबल एवरीबडी हैड टू सिट ऑन हियरिंग, प्रत्येक व्यक्ति टेबल पर कितनी घंटी सुनने के बाद में बैठता था भी? सेकंड बेल सुनने के बाद में। नेक्स्ट देखिए भी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें देखिए भी, अकॉर्डिंग टू सेम्स लेटर पीपल ओवर सिंगिंग द फ्लोइंग सॉन्ग। तो यहाँ सिंग नेली होम, ये सॉन्ग गा रहे थे वो, कौन सा गाना गा रहे थे भी? तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट है याद रखना। फ्रॉम वेयर वाज द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, राजा के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहाँ से बुलाए गए थे भी? मद्रास से बुलाए गए थे। हाउ मेनी पर्सन टुक पार्ट इन द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, उस प्रोग्राम में कितने लोगों ने भाग लिया था भी? 52। 52 आंसर सही होगा आपका। द वाउंडेड सोल्जर वॉज कैरिड इन टू ए रूम, जो घायल सैनिक था उसे कमरे में लाया गया। द रूम बिलोंग टू, बिलोंग किस से संबंधित था, किसका कमरा था वो? शेडोज फादर का था। हु यूज टू किस डेरी, कौन है वो हमेशा डेरी को किस करती थी? हिज मदर, उसकी माँ है उससे क्या करती थी भी? किस करती थी। ए लार्ज बेल रैंग फॉर, एक बड़ी घंटी बजी थी किसके लिए भी? ब्रेकफास्ट के लिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करना, शेयर करना।